गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में, जो कोयला सीम में आग लगी रहती है, उस आग के कारण से जब आप ऊपर वाले रॉक या पत्थर की बात करते हो तो उस वो जो है स्ट्राटा, हॉट स्ट्राटा के नाम से जानी जाती है, और उस हॉट स्ट्राटा में जब आप ब्लास्टिंग करने के लिए होल लगाते हो तो उसको हॉट होल कहते हो, और उस ब्लास्टिंग को आप लोग हॉट होल ब्लास्टिंग कहते हो। तो हॉट होल ब्लास्टिंग के लिए जो प्रिकॉशंस ली जाती है, जिसमें कहा गया है कि जो अगर ये कोयला सीम आपकी ये गई हुई है, आपको ये कोयला सीम गई हुई है और इस कोयला सीम में आपका आग लगा हुआ है, एक कोल सीम है जो कि फायरी है, और इसको आप क्या कह रहे हो, ओपन कास्ट से हमको निकालना है, तो इसके ऊपर जो रॉक बनी रहती है उस रॉक में आप को इस तरीके से बेंच तैयार करते हो। लेकिन इस वाली बेंच जो, अगर इसको कहा जाए कि ये वाली जो ओबी बेंच वन है, ये ओबी बेंच टू है और ये ओबी बेंच थ्री है, इसमें जो है आपकी जो कोल सीम के जस्ट ऊपर वाली जो बेंच रहती है उसमें उसको ब्लास्टिंग करने के लिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, एमसीएल के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कोयला सीम जो आग लगी हुई है उसके ऊपर का जो बेंच है उस बेंच में स्पेशल प्रिकॉशंस, हॉट होल ब्लास्टिंग के स्पेशल प्रिकॉशंस ली जाती है बड़ा केयरफुल। क्यों, तो ऑप्शंस रहेंगे जिसमें रह सकता है ड्यू टू फायरिंग ब्लास्टिंग, तो इसमें आप जो है आप आंसर जो दोगे वो होगी क्या चीज, प्रीमेच्योर ब्लास्टिंग के रोकने के लिए। प्रीमेच्योर ब्लास्टिंग क्या होती है, यानी जब आप ब्लास्टिंग करने वाले होते हो उसके पहले ही, यानी चार्जिंग स्टेमिंग के दौरान ही जब ब्लास्टिंग हो जाती हो अपने आप, तो उसको कहा जाता है प्रीमेच्योर ब्लास्टिंग। तो प्रीमेच्योर ब्लास्टिंग को रोकने के लिए आप करते हो। तो ये जो कोयला सीम है, मेरी जो थीम है इसमें दो मैं टर्म आपको समझाने वाला हूं कि ये जो कोयला सीम का जो हीट जो प्रोपेगेट होता है, हीट जिसको आप टेम्परेचर भी कहते, हीट जो प्रोपोगेट होता है वो किस रेट से होता है उसको मैं दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो ये जो हीट प्रोपोगेट होती है, ये बेंच जो आपको दिखाई दे रहा है इसके परपेंडिकुलर होती है, और ये परपेंडिकुलर प्रोपोगेट होते हुए जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे इसकी टेम्परेचर कम होती जाती है। तो हम ये कहते हैं कि जब हॉट होल की जाती है तो इस हॉट होल को आप अगर टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर जो है कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 80 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अधिक हो रही है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर वाटर वाटर परकोलेटिंग करते हैं, वाटर फ्लशिंग करते हैं, यानी वाटर उसमें डालते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। लेकिन अगर इसमें क्रेक और फ्रिसर्स है तो उसके लिए आप क्या करते हो, इसमें बेंटोनाइट विथ क्या करते हो, बेंटोनाइट बेंटोनाइट या एस्बेस्टस का क्या करते हो, एस्बेस्टस का सीट डालते हो, पाइप डालते हो, ताकि ये जो पाइप होती है कूल्ड होती है, ज्यादा कूलिंग करने का काम करती है, साथ ही लीकेजेस को, क्रेक को प्रिवेंट करती है, क्रेक से पानी को फ्लो होने नहीं देती है। तो ये जो है आप देखें कि बेंटोनाइट के पाइप या फिर एस्बेस्टस के पाइप डाल करके क्रेक को रोकने का, क्रेक में पानी को फ्लो होने से रोकने का काम करते हैं। अब ये टेम्परेचर जो डाउन होती है तो कहा जाता है कि 60 डिग्री से टेम्परेचर जब आपकी डाउन हो जाती है तो आप उसको चार्जिंग करना स्टार्ट करते हो, बिलो द 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर डाउन होने की जो रिएक्शन है वो किस तरीके से होती है, उसी को हीट प्रोपेगेशन, क्योंकि कोयला तो आग लगी हुई है, कोयला तो आग हीट को बढ़ा ही रही है, लेकिन यहां पर पानी डाल करके आप उसको प्रिकॉशन से ब्लास्टिंग करने का काम करते हो। तो हीट प्रोपेगेशन को ही, सॉलिड बॉडी में हीट प्रोपेगेशन को ही क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस रॉक के या उस सॉलिड बॉडी के इस प्रॉपर्टी को जिसमें हीट प्रोपेगेट होती है कहा जाता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कंडक्शन। हीट में सॉलिड बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोपिगेट होती है हीट गैस और वाटर के सापेक्ष। तो यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको जो है कहा गया है के से दर्शाया गया है,
और अगर हीट का अमाउंट को आप क्यू से दर्शा रहे हो तो ये जो परपेंडिकुलर जो एरिया में आप जो है ब्लास्टिंग करते हो तो उसको कैपिटल ए से कहा गया है, जिसमें बेंच की लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगी। और इसमें जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से ये जो कोयला सीम का सतह दिखाई दे रहा है जहां आग लगा है, यहां से ये जो आपका पत्थर में जो आप ब्लास्टिंग कर रहे हो यहां तक पहुंचने में लगने वाला अगर समय टी है, ये जो समय है ये टी है जो कि टी समय में ये पहुंच जा रहा है, तो इसको जो है हम लोग स्मॉल टी से यानी कि सेकंड से कितना सेकंड में पहुंच रहे उससे मल्टीप्लाई करते हैं। साथ ही जो है ये जो टेम्परेचर है यहां का टेम्परेचर अगर ये टी टू है, कहां का यहां का टी टू का टेम्परेचर अधिक होगा क्योंकि कोयला सीम से सटा हुआ है, और यहां का टेम्परेचर टी टू टी वन है तो ये हम लोग टी टू माइनस टी वन करते हैं, टी टू माइनस टी वन करते हैं और डिवाइड करते हैं इस बेंच की हाइट को। बेंच की हाइट कितनी है, अगर इसकी बेंच की हाइट को आप एल ले लेते हो, बेंच की हाइट क्या ले रहे हो एल या एक्स कुछ भी ले सकते हो, तो इसको हम लोग जो है एल से डिवाइड करते हैं तो ये जो है कहलाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। आपसे पूछ सकता है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, तो आप अपने इनक्लाइन में रास्ते से उतरते हो धरती के अंदर या कोयला सीम का ग्रेडियंट बोलते हो तो ढाल के सापेक्ष जो उसकी बढ़ोतरी या फिर जिस तरह से आप ग्रेडियंट कहते हो तो वो जो धरती है उसकी जो ढाल है उसको आप ग्रेडियंट कहते हो, लेकिन टेम्परेचर में जो घटाव आती है या चढ़ाव होती है उसी को कहा जाता है किसके सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष। जो बेंच में जो बेंच की हाइट है उस बेंच के हाइट के जो रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर में कमी आती है, यहां पर अधिक रहेगी यहां पर कम रहेगा, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी हीट उसका टेम्परेचर क्या होते जाएगा कम होते जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। लंबाई के सापेक्ष टेम्परेचर में हुई कमी को क्या कहा जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। याद रखिएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट का डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। तो द डिक्रीजिंग टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू दी लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ दी बेंच इज कॉल्ड द टेम्परेचर ग्रेडियंट। और टी इज द यहां पे टी क्या है टाइम है इन सेकेंड में, एक कौन सी टाइम है एक हीट का मॉलिक्यूल जो गोल सिम की सतह है जहां आग लगी हुई है वहां से जहां होल कर रहे हो जहां होल का मेजरमेंट कर रहे हो तापमान का वहां तक पहुंचने में लगा समय को टी टाइम इन सेकंड कह रहे हैं। और ये जो कैपिटल ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि आपकी बेंच की लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पर मिलती है, तो ये जो हो गई क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इन मीटर स्क्वायर। जहां तक है आपको दिखाई दे रही हो, मैं देख लेता हूं एक बार कि आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, एकदम दिखाई दे रही है, तो ये हो गई। और आपका क्यू क्या है, क्यू हीट है, हीट इन किसको में मेजर करते हैं इसको कैलोरी में, हीट की यूनिट क्या होती है कैलोरी होती है, तो यहां पर आपने ये जान लिया। और टी वन टी टू क्या है, टी वन टी टू माइनस टी वन टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ये टेम्परेचर डिफरेंस ये यहां पर आप वेयर करके ये जान सकते हो। तो ये फॉर्मूला पूछती है, अब इसकी यूनिट की बात करें, चलिए यूनिट निकालिए, आप लोग इलेवेंथ में फिजिक्स में पढ़े हुए हो, यूनिट निकालिए। तो क्यू की यूनिट क्या हो गई कैलोरी, ठीक है कैलोरी लिख दिया मैं। एरिया की यूनिट क्या हो गई मीटर स्क्वायर, लेकिन यहां लेंथ भी दिया हुआ है तो लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर, ये मीटर और यहां का मीटर स्क्वायर, एक टू कट गया बचेगा क्या मीटर, प्रति में पर में मीटर बचा। टी टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है सेकेंड, टाइम सॉरी टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो ये हो गई सेकेंड। और यहां पर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्या टेम्परेचर आपसे पूछ सकता है कि कंडक्टिविटी, कंडक्शन जिसको हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, तो कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपसे पूछ सकता है कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गई आपकी थर्मल कंडक्टिविटी जिसको आप कहते हो कि कोयला सीम के आग लगने से जो हीट का प्रोपेगेशन ऊपर की ओर होते जाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट में कमी होती जाती है और उसकी जो कंडक्टिविटी होती है उसी को कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी, क्यू अपॉन ए इंटू स्मॉल टी ब्रैकेट में टी टू कैपिटल टी टू माइनस टी वन बटे में एल, जो कि यूनिट हो गई कैलोरी पर मीटर सेकेंड
डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा एक वर्ड और यहां पर है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। ये थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी जो होती है के बाई सी भी होता है। यहां पर के तो आप जान गए हो कि क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इस सूत्र से आपको दिख रहा है कि ये रेशियो है। रेशियो किस चीज का है, वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ द रॉक। वॉल्यूम भी फॉर वॉल्यूम और सी फॉर कैपेसिटी, वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ द रॉक। अभी आप देखें कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ये जो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में यानी लंबाई के रिस्पेक्ट में आपने हीट का प्रोपेगेशन देखा, किसके सापेक्ष में, बेंच के हाइट के सापेक्ष में। अब अगर रॉक जो पत्थर में आप ब्लास्टिंग कर रहे हो, इस रॉक के वॉल्यूम, वॉल्यूम के सापेक्ष में हीट में कितनी कमी हो रही है, टेम्परेचर में कितनी कमी हो रही है, जिसको आप कहते हो कि 60 डिग्री से टेम्परेचर से जब कम होगी तभी हम ब्लास्टिंग करेंगे, 80 डिग्री टेम्परेचर से अधिक होगी तो हम उसको नहीं करेंगे ब्लास्टिंग, तो प्रीमेचर ब्लास्टिंग हो जाएगी। तो यहां पर उस रॉक के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो हीट में कमी आती है उनका रेशियो, यानी कि द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ द रॉक। सीवी क्या है, यहां पर वेयर करके लिख देते हैं, वेयर सीवी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ रॉक, कैपेसिटी ऑफ रॉक, तो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ द रॉक, जिसकी यूनिट आपको जहां तक नीचे दिखाई दे रही होगी, मैं जो है इसको डाउन कर देता हूं और अच्छे से दिखाई देगी आपको। तो ये वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ द रॉक हो गई। तो इट इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ द रॉक इज कॉल्ड द थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। तो इस तरीके से आप ये जाने, इसकी यूनिट अगर बात करते हैं तो यूनिट जो होती है इसकी, याद रखिएगा, यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है, किसकी, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की। थोड़ी सी घुमावदार वर्ड है लेकिन अगर पूछ देगा तो आपके दिमाग में बना के रखना है। एमसीएल का जो सिलेबस है वो एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड सिलेबस है जो कि डीजीएमएस के टोटली सिलेबस को उठा करके वो दे दिया है। तो डीजीएमएस के एग्जाम में जो अपियर होते हैं कैंडिडेट या फिर एमसीएल के एग्जाम में जो अपियर होने वाले हैं उनके इसकी सभी पॉइंट्स को, सभी टर्म्स को क्लियर करके रखनी होगी। एक प्रिकॉशन आपने देखा कि वाटर फ्लशिंग करके टेम्परेचर को करेंगे। इसमें जो और प्रिकॉशन हम लोग बरतते हैं हॉट होल ब्लास्टिंग में, क्या है बरतते हैं कि इसमें हम लोग इमल्शन एक्सप्लोसिव, इमल्शन वर्ड केवल याद रखिए, इमल्शन या और स्लरी एक्सप्लोसिव, केवल यही दोनों का हम उपयोग करते हैं, नोनेल रेडेट का उपयोग नहीं करते। हाँ, हॉट होल ब्लास्टिंग की प्रिकॉशन, यानी कि कोयला में आग लगी है उसके ऊपर वाला पत्थर में आप ब्लास्टिंग कर रहे हो तो उसमें हम 60 डिग्री से कम टेम्परेचर होगी तभी चार्ज करेंगे, तो वाले जो वर्ड है मैं इसको मिटा देता हूं, इसके की वर्ड को आप जो है ध्यान में रखिएगा, तो वर्ड में ये भी आपने पिक्चर में समझा है, इसको मैं जो है वर्ड में लिखने का प्रयास कर रहा हूं, जो प्रिकॉशन बरतने हैं। 80 डिग्री टेम्परेचर से कम होने पर ही क्या करेंगे आप, चार्जिंग करेंगे। 80 डिग्री टेम्परेचर से अधिक होने पर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर क्या करेंगे आप, ब्लास्ट नहीं करेंगे, वाटर फ्लशिंग करेंगे। क्या करेंगे, वाटर फ्लशिंग, फ्लशिंग मतलब समझ गए हैं आप लोग, वाटर फ्लशिंग करेंगे 80 डिग्री टेम्परेचर से अधिक रहती है तो, ये अधिक रहती है तब, है ना। और यहां पर 80 डिग्री टेम्परेचर से अधिक होने पर चार्जिंग नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, एक और प्रिकॉशन जो आपकी आ रही है, ये तीसरी प्रिकॉशन अगर कर दें, ये एक दो यहां हो गई है, तीसरी यहां हो गई, ये चौथी हो गई कि 80 डिग्री टेम्परेचर से जब अधिक रहेगी तो नो चार्जिंग। अच्छा, इसमें जो है हम लोग थर्मोपाइल, याद रखिएगा आपके ओपन कास्ट माइंस में जहां पर हॉट होल ब्लास्टिंग होती है वहां पर थर्मोपाइल और थर्मोकपल, COUPLE, थर्मोकपल से टेम्परेचर का कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग, टेम्परेचर का कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करते हैं विथ लॉगर। तो ये जो है टेम्परेचर का कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग हो गया। अगर हम लोग जितने होल रहते हैं सभी होल का हम लोग जो है टेम्परेचर का रिकॉर्डिंग करते हैं,
और रिकॉर्ड करते जाते हैं, ताकि जैसे ही पता चले कि 60 डिग्री से टेम्परेचर हो गई है तो वहां पर हम लोग फिर चार्जिंग करेंगे। तो चार्जिंग का सीक्वेंस क्या रहेगा, चार्जिंग सीक्वेंस क्या रहेगा। आप जो है कम तापमान से अधिक तापमान की ओर, कम तापमान से लो टेम्परेचर होल से लो टेम्परेचर होल टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होल, यदि कम तापमान वाले होल से अधिक तापमान वाले होल की ओर। लेकिन ये 60 डिग्री से कम ही में, हॉट हाई टेम्परेचर मतलब क्या, 60 डिग्री से अधिक नहीं है, 60 डिग्री से अधिक रहेगी तो उसको छोड़ देंगे हम लोग, जो है नहीं चार्ज करेंगे। तो ये सीक्वेंस हो गया, किसका सीक्वेंस हो गया, चार्जिंग का सीक्वेंस रखना है। अब यहां पर ये आपने देखा तीन, मैं यहां पर डाल चुका हूं, तीन चार पांच, ये हो गई छह, सातवां प्रिकॉशन जो आप लेंगे, इसमें आपको लो की अमाउंट में चार्ज की अमाउंट क्या रहेगी, लो की अमाउंट, यानी कि थोड़ी मात्रा में, ज्यादा बहुत ज्यादा बारूद इसमें हम लोग चार्ज काम नहीं करेंगे, और होल का डेप्थ भी जो है लिमिट रखेंगे। बेंच की हाइट जो है इसमें हम लोग आठवें नंबर में प्रिकॉशन बढ़ते हैं कि बेंच हाइट नॉट ग्रेटर देन 6 मीटर, नॉट ग्रेटर देन 6 मीटर से हम लोग अधिक नहीं रखेंगे। तो ये हो गई सातवां, आठवां हो गई जो टारगेट जो प्रोपेगेशन रखेंगे इसमें, टारगेट जो होगी लिमिटेड रहेगी, ये 1 मिलियन टन से अधिक नहीं होगी, 1 मिलियन टन पर ईयर से अधिक नहीं रखेंगे, यानी कि एक साल में केवल 1 मिलियन टन ही प्रोड्यूस करेंगे। और इसमें लो कैपेसिटी वाली जो 3.2 या फिर 4.2 क्यूबिक मीटर वाली जो बकेट कैपेसिटी होती है उसका उपयोग हम लोग करके करते हैं। तो ये जो है हॉट होल ब्लास्टिंग के प्रिकॉशंस हैं, जिसके संबंध में सीएमआर में, कोल माइंस रेगुलेशन में मात्र इतना कहा है कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स तैयार करेंगे। और वो प्रिकॉशनरी मेजर्स कहां पर तैयार किया गया है, जीएसआर जनरल स्टेचुटरी रूल में दी गई है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हॉट होल ब्लास्टिंग की प्रिकॉशन। मैं यहां पर एक और आपके सामने बात रखा हूं कि ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर मैं इसको मिटा देता हूं, जिसको क्लिक लेनी होगी लिख ले सकते हैं और अपने रिकॉर्ड के लिए नोट्स में उसको बना सकते हैं। तो ये हो गई आपके सामने हॉट होल ब्लास्टिंग की प्रिकॉशन, संभवतः आप ले लिए होंगे, मैं इसको मिटाता हूं। अब आपके सामने लाता हूं क्या चीज, एक जो प्रश्न है उसको लेके आता हूं आपके सामने। बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा माइंस रेस्क्यू रूल। तो ये जो माइंस रेस्क्यू रूल है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाई करनी है, और उस इंपॉर्टेंट जो रूल है वो कौन कौन सी है उसको आप लोग नोट आउट कर लो कि इम्पोर्टेंट रूल्स ज्यादा नहीं पढ़नी है, लेकिन माइंस रूल की जो पढ़नी है उसको आपको नोट आउट कर ही लो। जो 1985 है यहाँ पर, माइंस रूल 1985 मैं जो लिखा हूं, माइंस रूल 1985 मैं इसके इम्पोर्टेंट जो रूल नंबर है उनको पॉइंट आउट करा देता हूं। तो इसमें जो रूल नंबर है, इसमें जो रूल नंबर थ्री इसका इंपॉर्टेंट नहीं लिखे हो आप लोग, तो ये रूल नंबर थ्री जिसको हम लोग रेस्क्यू स्टेशन इसको पढ़नी है, रेस्क्यू स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट, और जिसको आरएस बोलते हैं आरएस। यहां पर 18वां नंबर प्रश्न जो पूछी गई है वो इससे रिलेटेड है, जो कि शेड्यूल SHEDULE शेड्यूल फर्स्ट में जो रखा हुआ है उपकरण, आपसे पूछेगा कि रेस्क्यू स्टेशन में, जो कि रेस्क्यू स्टेशन किसी एक सब्सिडरी में एक जगह पर होती है जिसके 35 किलोमीटर के रेडियस में कोई जो है नहीं होता
क्या चीज रेस्क्यू स्टेशन या रेस्क्यू रूम, तब वहां पर हम लोगों को खदान में रेस्क्यू रूम जो है इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। और ये जो रेस्क्यू स्टेशन होती है कई रेस्क्यू माइंस के लिए, पूरी एक सब्सिडरी के लिए काम करती है। तो ये चीज आपने देखा रेस्क्यू स्टेशन जो कि रूल नंबर 3 में पढ़नी है। और इसमें जो इक्विपमेंट्स है उसके बारे में पूछा है कि इक्विपमेंट्स कौन कौन सी रखती है रेस्क्यू रूम में, सॉरी रेस्क्यू स्टेशन में। तो ये हो गई रेस्क्यू स्टेशन। अब देखते हैं दूसरी जो है, जो रूल नंबर 4 को छोड़ दीजिएगा। अब यहां पे रेस्क्यू रूम जो रूल नंबर 5 है, रूल 5 ये है रेस्क्यू रूम, इसके बारे में जरूर पढ़ना है कि रेस्क्यू रूम कहां पर स्थापित करनी है, कैसे स्थापित करनी है, ठीक है। तो ये जो रेस्क्यू रूम है, रेस्क्यू रूम के साथ आपको जो पढ़नी है रेस्क्यू स्टेशन के संबंध में, मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा दे रहा हूं, आप उसको रीड करिए, उसके की वर्ड और की पॉइंट को दिमाग में बैठाइए, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है आपको प्रश्न पूछेगी जो कि आपके एमसीएल के एग्जामिनेशन में या डब्ल्यूसीएल के एग्जामिनेशन में आ सकती है। तो ये हो गई रेस्क्यू रूम का एस्टेब्लिशमेंट। अब ये फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम जो रूल नंबर 6 है, फंक्शन ऑफ आरआर बोलते हैं रेस्क्यू रूम, ये रूल नंबर 6 हो गया। उसके साथ जो है आप पढ़िए रूल नंबर 11 जो कि है इक्विपमेंट एंड एप्लीएंसेस इन रेस्क्यू रूल नंबर 8। अब जो है रेस्क्यू ट्रेसिंग पढ़ना है जो कि रूल नंबर 18 है, रेस्क्यू ट्रेसिंग ये पढ़नी है। रूल नंबर 19 भी पढ़नी है जो कि कहा जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ आरटीपी आरटीपी यानी कि रेस्क्यू ट्रेन पर्सन एंड देयर THEIR देयर डिस्पोजिशन एंड एकोमोडेशन यानी कि